आज हम बनाएंगे वेट लॉस सांभर। तो चलिए तैयार करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अरहर की दाल, घिया और सीताफल को बॉईल कर लिया है छोटे छोटे काट के। अब हम उसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ मसाले, अनियन, टमाटो, यहाँ पर हमें चाहिए कसूरी मेथी और ये जो पाउडर ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई रखी, हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, आप इसकी जगह मस्टर्ड सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, इसे पहले अच्छे तरीके से सौटे कर लीजिए, इसका कलर चेंज होने का। इस स्टेज पर हम थोड़े से मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, ध्यान रखिएगा हल्दी हमने उबालने में भी डाली थी, थोड़ी सी डालेंगे, एक कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च जो भी घर में कुटी हुई है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, हम सबको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, टमाटर को गलने तक पकाएंगे, गैस हम अभी तेज़ ही रखेंगे जिससे टमाटर गल जाए। इसे थोड़ी देर के लिए भून छोड़ दें, ये टमाटर लगभग थोड़ा सा गल गया है तो इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे कि टमाटर पानी छोड़ दें और अच्छे तरीके से गल जाए। इसे थोड़ी देर के लिए प्याज पर कर देंगे और थोड़ी देर इसे और पकाएंगे ताकि टमाटर पानी में छोड़ देता है। टमाटर लगभग गल गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आप चाहें तो इमली का पाउडर भी डाल सकते हैं। इमली को रात भर चुप कर रख दीजिए और इसके बाद जो उसका पानी निकलेगा उसे आप इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट सेम आएगा। अब बारी हमारे ग्रेवी डालने की, तो चलिए ग्रेवी लें इसके अंदर, हम इसे अच्छे से मिला लें चारों तरफ से। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मैंने उसी बर्तन में पानी लिया है जिसमें सांभर की प्यूरी रखी हुई थी, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। हम गैस को तेज कर देंगे और इसमें एक उबाल आने तक इसे फिर से पकाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा उबाल आ गया है, लीजिए हमारी सांभर तैयार है। अब आप इसे डोसा के साथ खा सकते हैं या फिर चपाती के साथ। देखिए यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और ये लग रहा है ना कितना टेंटिंग। यहाँ हमारे सांभर तैयार है, अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो सांभर के साथ यहाँ मैंने डोसा बैटर तैयार करके रखा है, आपको मैं इसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करूँगी। तो आइए बनाते हैं डोसा। डोसा बनाने के लिए हम इस पर रखेंगे नॉन स्टिक पैन, इस पर हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे, इससे हमें उतारने में आसानी हो जाए। देख रहे हो कितना क्रिस्पी बना है, हम इसे फोल्ड करते हैं।
ये रही हमारी वेट लॉस डोसा सांभर की थाली, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। बाय।